हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको भयो दृगहीन सो नवीन बात जाने। हनुमान वंश में जिनका जन्म हुआ, आप लोग कहेंगे कि हनुमान वंश तो हम पहली बार ही सुने, हनुमान वंश क्या होता है। महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक ऋग्वेदी ब्राह्मण निवास करते थे। श्री हनुमान जी के परम उपासक थे, परम भक्त थे। निष्काम भक्त थे, उनके चित्त में कोई लौकिक पारलौकिक भोग की कामना नहीं थी। अहर्निश राम नाम का जप करने वाले हनुमान जी के बड़े लाडले भक्त थे और श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त था, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था। अभाव जो है ना, अभाव प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। इसलिए सौभाग्य से जिन जीवों की चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है, उनके जीवन के समस्त अभाव सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं, उनके जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। वे आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाते हैं। फिर उनके जीवन के कोई संकल्प या उनकी इच्छाएं कामनाएं यदि किसी की समझ में आती हैं, तो वस्तुतः वह उनके जीवन की इच्छाएं कामनाएं नहीं होती हैं, उनके उस पवित्र देह को माध्यम बनाकर सत्य संकल्प भगवान ही संकल्प करते हैं, भगवान ही कामना करते हैं, भगवान ही इच्छा करते हैं। और उस उन कामनाओं के द्वारा, उन संकल्पों के द्वारा, उन इच्छाओं के द्वारा, उन निष्काम आत्मस्वरूप भक्तों के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करवाते हैं भगवान। भगवान ने गीता में कहा, तदात्मानं सृजाम्यं तदा अहम् आत्मानं सृजाम्यं। तो आत्मा जो है भगवान के भक्त ही है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा ही है। इसलिए तदा आत्मानं सृजामि, इसका अर्थ है आत्मस्वरूप संतों को मैं धरती पर भेजता हूं। शरीर संसार में चित्त की स्थिति जब तक रहेगी, और खुलकर कहें प्रकृति में जब तक चित्त की स्थिति रहेगी, तब तक अभाव की निवृत्ति नहीं होने वाली है। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवः हिरण्यं पशवस्त्रियः, सब कुछ एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उससे पूर्णता होने वाली नहीं है। क्योंकि नजात काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। घटे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीते। इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी किया है। वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण देवता निष्काम भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, राम जी के भक्त थे। इसलिए उनके चित्त में कोई कामना नहीं थी और किसी अभाव की अनुभूति भी नहीं थी, किंतु भगवान चाहते थे कि इस पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से मेरी एक कोई विशिष्ट विभूति अवतरित हो। इसके लिए एक ऐसा बानक बन गया। एक दिन किसी ने उन ब्राह्मण देवता को पुत्रहीन कह करके उनका तिरस्कार किया। उनके कोई संतान नहीं थे,
सपत्निक भगवान का भजन ही करते थे। कई बार कई माताओं के मुंह पर लगाम नहीं होती, माता ने किसी ने कह दिया, किसी स्त्री ने कह दिया कि सवेरे सवेरे पुत्रहीन का मुंह देखा, निपुते का मुंह देखा, पता नहीं क्या होगा। आपके मन में विचार आया कि हम इतने निंदे और इतने घृणित हो गए कि हमारा मुख देखना भी लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता, तो आप दुखी हो गए। आपको दुखी देखकर हनुमान जी ने कहा कि क्या कारण है, आप दुखी क्यों हो? महाराज, पुत्रहीनता के कारण संसार इस हेय दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से हमको देखता है। इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु ही हो जाए, सो ही अच्छा है। उनकी अतिशय पीड़ा को देखकर हनुमान जी द्रवित हो गए, कहा यद्यपि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, पर जीव जगत के कल्याण के लिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा और मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। आगे चलकर इसी वंश में एक ऐसी विभूति प्रकट होगी जिसके द्वारा इस जीव जगत का परम हित होगा, परम कल्याण होगा, और तुम्हारी तो सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि हनुमान जी की कृपा से वंश चला, इसलिए नाम ही हनुमान वंश पड़ गया। उसी वंश में स्वनाम धन्य श्री नाभा गोस्वामी जी का अवतार हुआ है और भक्तों के अवतार काल में कोई न कोई अनहोनी घटना घटती है। जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, ऐसे ही भगवत स्वरूप भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है।